माल करके ला रहा हूँ ना, स्टडी रखी हुई जरूरी
पानी का इधर ज़्यादा नहीं, इधर रहना है, ज़्यादा मीटर इधर करता हूँ मैं। इसका और कहाँ से कैलकुलेशन किया आप लोगों ने? जो और पॉइंट लिए कहाँ लिए? एक तो वहाँ से ले लिया 42 लॉन्ग, और कौन सा जो नापाई कर लिया आपने? हाँ सर, यही तो वो पोर्शन है। इसके हिसाब से 9000 फुट में से 9000 तो ज़्यादा छोटा लग रहा है। जो ज्वाइंट सर्वे एसडीएम के संग और खनन अधिकारी के द्वारा किया गया है, हम पुरजोर उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये सर्वे मात्र और मात्र केवल खानापूर्ति के लिए किया गया है। कई कई मीटर गहरे गड्ढे जो इस समय किए गए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बरसात आने वाली है और गड्ढे जो किए गए हैं, उन गड्ढों के कारण पूरे के पूरे क्षेत्र के भीतर लोगों के घरों के बहने की संभावनाएँ हैं। उसके साथ मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी किसी स्थान पर 20 मीटर तक नदी को खोद दिया गया है, तटबंध खोद दिए गए हैं, 15 मीटर तटबंध चौड़ा कर दिया गया है नदी को। हमारा पूरा विरोध है कि खनन अधिकारी उन चीज़ों को आखिरकार क्यों नहीं नाप रहे हैं, उन चीज़ों की पैमाइश होनी चाहिए। और जिन लोगों के द्वारा, पट्टेधारकों के द्वारा यह गलत कार्य कुकृत्य किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। विभाग, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग और खनन ज्वाइंट इंस्पेक्शन, चूँकि रिवर ट्रेनिंग की जो मियाद है वो 30 जून तक की है, इनको जो अनुज्ञा जारी हुई है, तो
समापन से पहले पूरा मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से और निरीक्षण के दृष्टिकोण से आज यहाँ पे एक वृहद पैमाइश के तौर पे पूरे सभी रिवर चैनल क्षेत्रों का जो है वो निरीक्षण किया गया है। अभी फिलहाल खो नदी के जो चार रिवर चैनल अनुज्ञाएँ स्वीकृत हुई थी उसका निरीक्षण हुआ है और इन्हें बहुत जगह पाया गया है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे जो एक चौथाई भाग छोड़ा जाना चाहिए था वो अपेक्षित मात्रा में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, एक या दो पॉइंट हमें ऐसे मिले जहाँ पे छोड़ा जाना चाहिए था नहीं छोड़ा है, इसके लिए विधिवत आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ दो या तीन स्पॉट ऐसे मिले जहाँ पे अभी बारिश अगर थोड़ा बढ़ती है तो खुदान होने के कारण जल जमाव की स्थिति हो जाएगी और जल निकासी के लिए जगह नहीं भी मिल सकती है, तो जिस कारण पानी इधर उधर जा सकता है उसको भी एहतियात के तौर पर उन जगहों को चिन्हित कर दिया गया।